पहले हमने सरस्वती माँ की पूजा की, उसके बाद पतंगबाजी भी की, गिद्दा भी डाला था, आज फुल एंजॉय किया था हमने। इस दिन ना सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, इससे हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहते हैं। आज के दिन हम पीले कपड़े भी डालते हैं सभी। मैं तो खास करके इस फिल्म तो विश्व उम्मीद करती हाँ कि दोनों देशों दी सरकारां जिहड़ियां ना अपने जिहड़े उन्होंने नागरिक एक दूजे के देशों च फड़े है उन्होंने प्रति चिंतित होंगे हालात सारे देख के, और उन्होंने पता लगेगा कि जो कोई फड़िया जाता तो उन्होंने नाल किस तरह का अत्याचार किया जाता, और सारे देश को पता लगेगा और उन्होंने प्रति वो फिक्रमंद होंगे, उन्होंने छुड़ाने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश तो यही है कि इस दे जरिए जिहड़ा एक ऐसा संदेश जाए कि एक दूजे के जिहड़े नागरिक है उन्होंने फड़िया ना जाए। जिदा कि दरबार साहब आज आए ने और दरगाह से भी पहुंचे सके, और हूँ अजकल जे सरबजीत के दोस्त ने उन्होंने इलाकों पंजाब के कुछ जो फिल्म के उन्होंने लोड़ी हो उन्होंने हल्कों के जाएंगे और वाघा बार्डर भी जाएंगे। हाँ मेरे पूरी मुलाकात हुई है ऐश्वर्या नाल, मैं और रणदीप जाके मिली सी, अज मैं रिचा जी भी मिली हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ, साडा परिवार खुश है कि इस दे विच ऐश्वर्या अपना रोल कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐश्वर्या का अपना कद है और वो पर अपने परिवार का भी ना है, असं इस गल नूं लैके भी बहुत उत्साहित हाँ। और एक्ट्रेस हीरो है या हीरोइन वह भी आखिर एक किसी के भैन और किसी के भरा होंगे ने, तो एक बहुत अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ी फिल्म बन रही है इस तो बहुत उम्मीदा ने और सुपर हिट होगी, और परमात्मा अगे मैं हाथ जोड़दी हाँ कि इस दे जरिए वो मेरे दोनों देशों के जिहड़े भरा एक दूजे के जेलों च बंद ने वो छुट जाण। मैं चाहती हाँ कि जड़िया खास करके विधवा लेडीज़ ने उन्हां दी मदद की जाए आर्थिक तौर पर, और जिहड़े कैदी एक दूजे के देशों च बंद ने उन्हां दी लड़ाई के उत्ते वो खर्च किया जाए। और यही कहना चाहनी हाँ कि काफ़ी टाइम तो जिमें आप लगे हुए इस फिल्म बना ली और फाइनली हूँ फिल्म बन जा रही है, तो ये नाल बहुत सारे लोग जिन्हें तो इस फिल्म का वधिया असर भी पड़ेगा, क्योंकि शायद वो ये होप रखते हैं कि पाकिस्तान जो ये मूवी चलेगी तो उधर की गवर्नमेंट और अपनी गवर्नमेंट पर यह असर पड़ेगा कि किदा कैदियों के नाल बिहेवियर किया जाता है, और खास करके पाकिस्तान जो बिहेवियर किया जाता वो इस फिल्म से दिखाया जा रहा है जो बिल्कुल रियल है जो पापा के नाल होया, और ये मे बी कि कुछ कैदी जिहड़े जिन्होंने ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा वो शायद रिहा भी हो सकते हैं। बताया कि हमारे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का छोटा कारखाना है वहाँ हमारे साथ रहने वाला स्वपन पान ये कुछ तो बीमारी से रात को उसका देहांत हो गया है, और वैसा उसने बताने के बाद उसने उसके हमने खबर ली और एक्सीडेंटल डेथ अकस्मात में दाखिल किया। दाखिल करने के बाद आगे और जाके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका जो मयत है उसका पिता संतापान है, ये वेस्ट बंगाल से आ रहे फ्लाइट से 2 फरवरी को आने के बाद हमने सोचा कि उसको ज़्यादा पूछेंगे, तो वो आने के बाद उनको हमारे पुलिस लोग टेम्बा हॉस्पिटल बहेंद्र वेस्ट में लेके गए। उसने वो शव देखा, शव देखने के बाद उसको लगा कि मेरे बेटे की हत्या हो गई शायद, किस कुछ तो उसको उसके शरीर पे कुछ मार दिया है और माथे पे मार दिया है, तो उसने हमें कंप्लेंट की कि हमारा शव विच्छेदन यहाँ नहीं करने का, मुंबई में जेजे हॉस्पिटल में करने का है। इसलिए हमने उसको लेके शव को लेके जेजे हॉस्पिटल में गए और वहाँ शव विच्छेदन किया, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स ने शव विच्छेदन किया। शव विच्छेदन में पता चला और बाद में डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट दिया कि इसकी मृत्यु सर में और उसके शरीर पे मार देने से हो गई है, तो हमने तुरंत
जो यहाँ का मयत है उसका पिता संतापान, इसकी एफआईआर ले ली और 6 लोगों के खिलाफ। ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का कारखाना है उसका मालिक, उसका मैनेजर और 4 कामगार, इनके खिलाफ 302-34 के तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर कर दिया, उसमें से 5 लोगों को हमने अब तक गिरफ्तार कर दिया है। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਚੱਕਿਆ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ MC ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ BJP ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਟਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਿਸਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਿਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਪ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲੀ BJP ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਕਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੈੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਿਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੇਕਣ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, 2 ਬੀੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ BJP ਦੀ ਰਲੀ ਭੁਗਤਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟਮ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਦ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੈਲਿਟਸ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ MC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੀਲੀਏ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ। एजेंडा जी, जो इलेक्शन का हमारा एजेंडा है वो तो अभी तय होगा, क्योंकि अरविंद जी आ रहे हैं 20 तारीख को पंजाब में, और वो पंजाब के गांव-गांव में जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्लान है, जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा जा पाए वो जाएंगे और एजेंडा लोगों से लेंगे। जैसे दिल्ली में हुआ था, डायलॉग किया था लोगों के साथ, लोगों को कहा था कि एजेंडा चोन मैनिफेस्टो आप रेडी करो, जिस मैनिफेस्टो पे, जिस एजेंडा पे आप चाहोगे उसी एजेंडा पे इलेक्शन लड़ेंगे, उसी तर्ज पे पंजाब से लोगों से एजेंडा लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो वेरी मच। सुखबीर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये तो कहा कि कम से कम पंजाब का मनोरंजन करेंगे। पंजाब ने बहुत दुख दर्द सहा है पिछले कुछ सालों में, और पंजाब को हंसाने वाले भी आ गए हैं, पंजाब के चेहरे पर स्माइल आएगी। तो सुखबीर जी ने हमें एक सर्टिफिकेट दिया है, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये फ़र्ज़ होता है, क्योंकि जो हुकूमत होती है वो माँ बाप का रोल अदा करती है किसी भी स्टेट के लिए। तो जब माँ बाप इतने इग्नोरेंट रहे, माँ बाप ने इतना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो अब बच्चे बिगड़ गए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो मैं मानता हूँ जो कसूर है वो तो हुकूमतों का है, जिन्होंने पिछले टाइम में हुकूमत की है पंजाब में, चाहे वो पहले कांग्रेस करती रही है, अब BJP अकाली अलायंस था। तो लेकिन उसमें सोसाइटी जब बिगड़ जाती है तो फिर सबका कसूर होता है। हुकूमत बदलने की भी ज़रूरत है और सोसाइटी को दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। आपके साथ वो रिलीज़ की गई थी, लेकिन आजकल नेट में कुछ भी, मैं आपके चेहरे के साथ किसी का चेहरा जोड़ के, मेरे हमारी एक पिक्चर आई थी आगे मुंडे UK दे, तो उसमें मेरी फ़ोटो थी, ओबामा के साथ खड़ा हूँ मैं, तो वो तो ऐसा तो आप पिक्चर में दिखाया गया था कि ये फ्रॉड एजेंट है और ऐसे किसी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा लेता है। तो ये चीज़ें नेट पे भरी पड़ी हैं, इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। और लेकिन धर्म की राजनीति हमारी आम आदमी पार्टी नहीं करती, तो मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो सेंसेशनल मुद्दे हैं उनको आप ही नज़रअंदाज करो, ताकि वो गुनाहगार लोग जो सोचते हैं कि ऐसे मुद्दे पंजाब में छिड़ के पंजाब में फिर वो आग लगाई जाए, वो मुद्दों को मीडिया हाईलाइट ही ना करे। सिर्फ पंजाब के जो इस समय बर्निंग मुद्दे हैं ऑलरेडी, सिर्फ मीडिया भी हमारा साथ दे, उन्हीं मुद्दों पे बात करें। आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, जो जिसको पंजाब में, चाहे वो पहले कांग्रेस करती रही, अब BJP अकाली अलायंस था। तो लेकिन उसमें सोसाइटी जब बिगड़ जाती है तो फिर सबका कसूर होता है। हुकूमत बदलने की भी ज़रूरत है, और जैसे मानता है उसको माने, अपने ढंग से माने कि नहीं कोई किसी के वास्ते क्यों फिक्रमंद हो। सीधा उसूल है, जिसको जो पसंद हो, किसी का अपना रिलीजन है, किसी का अपना बिलीव है, किसी की अपनी श्रद्धा आस्था है, होने दो। कैप्टन
जिस बयान पे तो सिर्फ हंसा जा सकता है जी, कोई किसी को कहीं आने जाने से रोक सकता है जी, तो मैटर नहीं करता ये बयान। देखिए आप मेरी अपील वो ध्यान से अगर सुनेंगे तो मैंने न्यूज़ चैनल पे यही कहा था कि मुझे पूछा गया था कि आप पंजाब से आप आए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू साहब भी पंजाब से आते हैं तो क्या आप उनको चुनौती देंगे, तो मैंने जवाब में ये कहा था मैं उनको चुनौती नहीं दूंगा, मैं तो उनको निमंत्रण दूंगा, मैं उनको इन्विटेशन दूंगा कि आओ मिलजुल के पंजाब के लिए, क्योंकि आप भी एक अच्छे पंजाबी हो। विकास सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के अकाली दल ने कराया ना, जो विकास दी झड़ियां लाइया, जिन्हें काम किए पंजाब के 4 लाइन 6 लाइन बिजली सरप्लस करती, इन्हें काम किए पिंड ढाणियां पक्या, 24 घंटे सप्लाई, जट जिमीदार खेतों च रेंदे सी, इन्ना काम किया वा कि मैं समझा वा कि जिस तरह काम होए ने उस तरह ही वोटा जिहड़ियां वध तों वध अकाली दल नूं पैणियां बड़े जोर नाल पैणियां। मैं ना जी लोग पब्बा पार होए फिरदे आ, मैं ना सवेर दे टैलीफोन आउण लग पिया, लोग इन्ने उत्साह वोटां पाउण नूं भज भज के लाइनां ला लईआं लोकां ने, मैनूं तां लगदा वा कि 2-3 बजे तक ही काम कंप्लीट कर देणा, लोकां च इन्ना उत्साह अकाली दल प्रति। मैं कहिंदा कि बहुत भारी वोटां दे फर्क नाल, जितना मैं गिनती नहीं दस सकदा, इह वी इक रिकॉर्ड होगा कि इन्नी इतिहासिक जित जिहड़ी अकाली दल दी होई आ जिमनी चोण दे विच।